स्टॉप बोलने वाली बहू। स्टॉप दैट। अरे अरे अरे, आप लोग स्टॉप तो नहीं हो गए ना? लेकिन ये कहानी है इसी खेल की जो कभी हम बचपन में खेला करते थे। बैठी रहती है सारा दिन पत्थर की तरह। अरे पत्थर भी कभी कभी हिल लिया करता है, तू भी कभी कोई काम कर लिया कर बहू। मैं तो बहू नहीं, भैंस ले आई हूँ। नीता सारा दिन घर का काम करती, कमर टूट जाती जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए लेटती। लेकिन मजाल है सास की, जो उसके काम की कभी झूठे मुंह भी तारीफ कर दे। हम लोग नसीब वाले हैं नीता बिटिया, जो तेरे जैसी बहू हम लोगों को मिली। पिताजी, यही आपका प्यार है जिसके कारण मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। पर पता नहीं सासू माँ को मैं क्यों नहीं अच्छी लगती। अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल में तू ये सवाल कर रही है? यहाँ मुझे 30 साल हो गए बिटिया। पता नहीं तेरी सास मुझे भी क्यों पसंद नहीं करती। फिर क्या, दोनों ससुर बहू खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू को देखो कैसे ठहाके लगा लगा कर ससुर के साथ हंस रही है। अरे एक जमाना हमारा था, ससुर इस कमरे में तो मैं उस कमरे में, ससुर बरामदे में तो मैं छत में, और यहाँ देखो महारानी को। वो मेरी बेटी है, और पापा ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम इधर उधर भागो। हाँ, सास को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नजर बहू पर पड़ती है जो सास और ससुर की बात पर हंस रही है। बहू को हंसता हुआ देख सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे कालबू ही तू क्यों हंसी? तुझे कौन सी चुड़ैल चिपट गई तो हंस रही है? हम मियां बीवी का ये चलता रहता है, ये ना सोच के बीच में फूट पड़वा दी। अरे जी जाइए बाजार से छाछ ले आइए, और तू जाकर किचन में बेसन घोल कर पकौड़े बना ले, कड़ी बनानी है तुझे। सास बहू और पति को ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाती है। पति बाजार की तरफ और बहू किचन की तरफ। सारा काम हो गया, अब बस आराम से टीवी देखूं। उधर सास, कढ़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ये लड़की खी खी करके दांत दिखाती है तो गुस्सा आ जाता है, लगता है कि मुंह नोच लो इसका। तभी सास के कान में बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सास का पारा फिर 7वें आसमान में चला जाता है। सास कमरे में जाती है जहाँ बहू टीवी में सीरियल देख रही होती है। अरे पागल हो गई है तो बता दे, पागल खाने छोड़ा हूँ तुझे। माजी, आइए ना देखिए ना, आप भी ये सीन देखिए, कैसे बच्चे स्टॉप बैट खेल रहे हैं। इस खेल में ना जिसे स्टॉप बैट बोल दो उसे स्टॉप होना पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत खेला है मैंने भी इसे बचपन में, कोई इतने भी पुराने लोग नहीं है अब। काश सासू माँ मैं भी ये खेल खेल पाती। सास को बहू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो सारा घर फैला पड़ा है, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं, और मैडम स्टॉप दैट खेलेंगी हैं? अरे चल जाकर छत धो। बेचारी बहू जो अभी तक टीवी पर ठहाका मार रही थी, झाड़ू लेकर छत पर पहुंच जाती है। खुले आसमान के नीचे बहू भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान ये तो बता दो कैसे मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी आएगी जिसे देखो जब देखो कुछ न कुछ सुना कर निकल जाता है। वो रोने लगती है, लेकिन करती भी तो क्या, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। बहू पूरी छत साफ करके नीचे आती है जहाँ सास मजे से बैठकर टीवी देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। टीवी में वही स्टॉप दैट वाला सीरियल चल रहा होता है। मासूम बहू फिर से टीवी देखने लग जाती है। कितना मजेदार गेम है। सास को फिर बहू पर गुस्सा आ जाता है। अरे उसे तो बहू के हंसने की आवाज ही चुपती है। तुझे स्टॉप दैट खेलने का बहुत मन कर रहा है ना? मुझे बोल स्टॉप दैट, अब बोल स्टॉप दैट, बोल बोल। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही है? अच्छा तो फिर हंस क्यों रही है? अरे दम में तो बोल के दिखाना मुझे स्टॉप दैट। बहू सास के जोर देने पर जोर से गुस्से से बोल देती है, स्टॉप दैट। लेकिन ये क्या, सास तो मानो किसी भूत की तरह जम जाती है। मन तो कर रहा है कि ओवर ही ना बोलूं,
लेकिन ये मानेगी तो नहीं ना। तभी डोरबेल बजती है और बहू सास को ओवर बोलना भूलकर दरवाजे पर चली जाती है। अरे कमला, तू क्या करने आई है? भाभी जी, काम पर रख लो ना, बहुत जरूरत है पैसों की। मैं जानती हूँ, पर मेरी सास नहीं मानेगी ना। अरे पता नहीं भाभी कैसी सास है आपकी, इतना काम तो मैं चार घर का नहीं करती जितना वो आपसे एक घर में करवा लेती है। बहू काम वाले से खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे बात करती है और उसे विदा कर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि सास वैसी की वैसी ही खड़ी है। स्टॉप दैट, ये जो कहकर गई थी वो। अरे हाय, ये सासुमा को क्या हो गया, अब ओवर बोलूंगी तो मेरी तो जान ही निकाल देगी, क्या करूँ मैं। बहू उनका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देती है और फिर कहती है, ओवर क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी अब, क्या मैं आराम भी ना करूँ, जा यहाँ से, बोला है ना कमरे में आया मत कर, जब देखो कमरे में घुसी रहती है, अलमारी को घुरती रहती है, अरे कुछ नहीं देने वाली, ज्यादा वहम में मत रहना समझी। माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे वाजी वाह, स्टॉप दैट, बोलते बोलते जबान भी खुल गई तेरी। हाँ खुल गई और बोलूंगी भी, स्टॉप दैट, अब बोलो। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने बोला स्टॉप दैट, सास हो गई स्टॉप। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सासुमा? लेकिन बेचारी सास स्टॉप दैट में तो बोलती बंद हो गई उनकी। वाह जी वाह, लग रहा है कि अब सारा खेल मेरे हाथ में आ गया। बहू अब सास से स्टॉप दैट बोलकर कभी खाना बनवा लेती तो कभी घर साफ करवा लेती। अरे पता नहीं, मैं आजकल थकी थकी सी क्यों रहती हूँ, बीपी भी हाई रहता है, मन करता है सोई रहूं। अरे मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये काम बहुत कर रही है, उम्र नहीं है आपकी इतना काम करने की, और ज्यादा काम किया तो। काम तो मैं इतना कराऊंगी कि बस नाम की जिंदा रहेगी, बहुत जबान टपड़ टपड़ चलती है ना इनकी। ससुर जी समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही है। बहू शीशे के सामने कहती है, सारा काम हो रहा है, मजा ही आ गया, स्टॉप दैट होकर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, अब तो जो चाहे जब चाहे सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। ये मेरा कमाल, क्या बोलती हूँ मैं, स्टॉप दैट। बस जैसे ही बहू शीशे के सामने ये शब्द बोलती है, भूत बन जाती है।